हेजार्ड लाइट तो ब्लिंक हो ही रही है, ये भी ब्लिंक हो रहा है। क्या चीजें हैं यार ये, VW से हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ा है भाई मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट टाइगून का अकॉर्डिंग टू मी तो भाई, और ये ना बिल्कुल ही न्यू वेरिएंट अभी फोक्सवैगन वालों ने लॉन्च करा है जिसका नाम है भाई टाइगून 1.0 GT लाइन। बेस मॉडल ना कम्फर्ट लाइन आते हैं, फिर हाई लाइन आते हैं, और ये ना जो वेरियंट है ये हाई लाइन पे बेस है। टॉप वेरियंट का नाम है भाई टॉप लाइन। और सबसे पहले ना एक बार ना इसकी हेडलाइट वगैरह ऑन कर देता हूँ यार, मैंने करी तो थी, और कार को भी ना इसे स्टार्ट कर देता हूँ। इंजन रिफाइनमेंट ना आप खुद ही सुन लेना ठीक है। ये मैंने कार को ऑन कर दिया, हेडलाइट वगैरह ऑन है, और इंजन रिफाइनमेंट पता है मैं क्यों आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुतों को लग रहा होगा कि भाई GT अब आप बोल रहे हो तो 1.5 इंजन होएगा, बट नहीं भाई, यही तो ट्विस्ट है। इसमें आपको मिल जाता है 1.0 वाला इंजन, यानी कि 3-सिलेंडर इंजन। बोनट एक बार मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई, वाइब्रेशंस आपको इसमें मिलेंगी ही मिलेंगी क्योंकि ये है 3-सिलेंडर इंजन। अराउंड 114 BHP विद 178 Nm ऑफ टॉर्क ये प्रोवाइड करता है। बट वो ये यार, फोक्सवैगन वालों ने सोचा अब हर कोई 1.5 पे तो जा नहीं रहा है, बट जो 1.0 पे जा रहा है एंड उसे चाहिए एक स्पोर्टियर कार, उसके लिए भाई ये वाला वेरिएंट आ जाता है। बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना भाई, कोई भी क्रोम का ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्पोर्टियर अब ये लगती है। सामने ग्रिल की बात ही कर लो भाई, ऑल ब्लैक ग्रिल हो चुकी है, क्रोम ट्रीटमेंट बस फोक्सवैगन के लोगों पे मिलता है। अगर ये भी ब्लैक कर देते ना तो वो ये कुछ ज्यादा ही ब्लैक हो जाता है लोगों ना, मतलब ये लोगों में ना कॉन्ट्रास्ट ही नहीं बनता। बट यस, उसी के साथ साथ हेडलाइट यूनिट की बात करें, ऑल LED सेटअप है, लो बीम हाई बीम आपको LED मिलती है, इंडिकेटर्स आपको LED मिलते हैं, DRLs मिल जाती है, बट यस नीचे जो फॉग लाइट है वो आपको हेलोजन मिलती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 178 mm की ना ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिल जाती है। ये जो सारा ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट है ना भाई, बढ़िया तो लगता है बट मेंटेनेंस बहुत ज्यादा मांगता है। इसी के साथ साथ भाई साइड में आ जाते हैं, अलॉय व्हील्स देख रहे हो भाई साहब, ये भी ग्लॉस ब्लैक क्या ही बढ़िया लग रहे हैं। ऊपर से 5 नट वाले टायर फोक्सवैगन में, ये तो खास बात है। स्टेबिलिटी बहुत ही जबरदस्त, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। एंड यस, इसी के साथ साथ टायर साइज की बात करें ना, 205/55 R17 टायर साइज आपको मिलता है। रियर में आपको कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगी। एंड डोर हैंडल्स पे देख लो भाई, क्रोम ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है, मतलब कि डार्क क्रोम ट्रीटमेंट हम इसे कह सकते हैं, बट इधर कोई भी बीडिंग्स वगैरह पे क्रोम नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, क्रोम का ट्रीटमेंट बहुत ही कम अब कर दिया है। इधर से आप इसमें डालेंगे पेट्रोल, केवल पेट्रोल, कोई डीजल वगैरह CNG नहीं है। 50 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ऊपर आपको मिल जाती है रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना जो कि अगेन ग्लॉस ब्लैक में है, कोई सनरूफ वगैरह नहीं मिलती है, स्पॉइलर इसका भाई कुछ ऐसा है। एंड रियर लुक की बात करें, बढ़िया भाई, पीछे से भी ना कार बढ़िया लगती है। कनेक्टिंग टेल लाइट मिल जाती है, रियर डिफोगर, रियर वाइपर मिल जाता है, ऐसे देखो कनेक्ट नहीं होती, अगेन लोगो आ जाता है। बट जो टाइगून लिखा है, TSI लिखा है ब्लैक में, जबरदस्त यार। व्हाइट में तो ना जो एक कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही बढ़िया। नीचे आपको 1, 2, 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, रिवर्स कैमरा आपको मिल जाता है जिसकी क्वालिटी बहुत ही बिखार है। बाकी बूट स्पेस की बात करें ना, ऐसी कुछ है भाई इसकी बूट स्पेस, अराउंड 400 कुछ लीटर की ना इसकी बूट स्पेस है। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है जिसका टायर साइज है 195/65 R16, मतलब कि चौड़ाई इसकी कम है। बूट लाइट आपको मिल जाएगी, फर्स्ट एड किट मिल जाएगी, 60-40 स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा, हुक मिल जाएंगे 2, एंड पार्शियल ट्रे भी आपको मिल जाती है। बढ़िया भाई, कोई दिक्कत वाली बातचीत है नहीं। एंड अब तो ना टाइगून में अपडेट्स भी आए हैं, वेरिएंट तो नया आया ही है, बट एज स्टैंडर्ड VW ने ना अपनी हर कार में, मतलब कि वर्टस और टाइगून में, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कर दें, तो सेफ्टी को ना मतलब कि दिमाग में इन्होंने रखा है। बाकी हाँ, रियर से भी बात कर लेते हैं भाई, स्पेस अच्छा खासा आपको ना रियर में मिल जाते हैं। बट ये देख रहे हो, लेदराइज ट्रीटमेंट बढ़िया लगता है, स्टिचिंग वगैरह बढ़िया, बोटल होल्डर कुछ स्पेस मिल जाती है। अब हम कार के अंदर चलते हैं, रियर AC वेंट्स आपको मिल जाएंगे, 2 C-type सॉकेट आपको मिलते हैं, एंड फैब्रिक सीट कवर्स ही मिलते हैं। बढ़िया, देख लो आर्मरेस्ट पे आपको लेदराइज ट्रीटमेंट मिल जाते हैं, 3 adjustable हेडरेस्ट मिल जाएंगे विद सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 cup holder। ऊपर आपको कैबिन लाइट मिल जाती है जो कि है LED, और भाई रूफ देख रहे हो, ऑल ब्लैक रूफ आपको मिल रही है, जो कि बढ़िया बात है यार। VW ने काम बढ़िया कर रखा है इस वेरिएंट में। बाकी हाँ, स्पेस की कोई दिक्कत है नहीं, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता रखे भाई, कंफर्टेबल कार तो रहती है। जो दिक्कत रहती है ना भाई इसकी, रोड प्रेजेंस में, मतलब कि यार वेन्यू वाले सेगमेंट की लगती है, क्रेटा वाले सेगमेंट की लगती नहीं है, छोटी लगती है कार कहीं ना कहीं। बट ठीक है, अब स्पोर्टियर तो लग रही है, अगर किसी को कम बजट में जाना है एक स्पोर्टियर कार पे, वो इस पर जा सकता है। बट हाँ, अब पड़ा भाई कुछ चैन, ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाता है, लॉक अनलॉक, पावर विंडोज के कंट्रोल, एंड अगेन लेदराइज ट्रीटमेंट। ओह भाई साहब, जो गर्मी है ना बाहर, मैं आपको क्या ही बताऊं भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बट एनीवे, वापस से कार की बात करें, ऐसा कुछ है इसका स्टेयरिंग व्हील, बहुत ही सुंदर स्टेयरिंग व्हील लगता है,
ये है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, ये है नाइस टेलीस्कोपिक भी है, जैसे स्कोडा में मिलता है ना टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील, उससे बेटर ना कहीं मुझे ये लगता है, बड़ा सटल सा लगता है। इधर से आप अपनी MID वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, बेसिक ये सारी इन्फॉर्मेशन बता देगी। ऐसा कुछ है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 260 तक स्पीडोमीटर, टैकोमीटर 8 तक क्योंकि ये है टर्बो पेट्रोल। इधर से आप वॉल्यूम अप डाउन वगैरह कर सकते हैं, बट ये जैसे मैंने आपको बताया ये टॉप वेरियंट पे बेस्ड नहीं है, इसलिए आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल नहीं मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलाइट का भाई इधर आपको ऑप्शन मिल जाता है, बीम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। चाबी भाई इसकी कुछ ऐसी है, वही बेसिक सी लॉक अनलॉक, टेलगेट आपका इधर से ओपन हो जाएगा, वाइपर्स के कंट्रोल, इंडिकेटर के कंट्रोल, एंड यस स्क्रीन की बात करें वही अराउंड 10 इंच की ना, इसमें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया भाई स्मूथ एक्सपीरियंस है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है, बट यार एसी वेंट्स वर्टस और इसमें ना सही कर दो, मतलब स्लाविया का इंटीरियर ना मच बेटर लगता है, मतलब कि सेंटर कंसोल, बट इसमें यार बड़ा बेसिक से लगता है। बट अगर किसी के पास है, आप चाहते हैं कुछ बढ़िया सोल्यूशन भाई, इस वाले एरिया को निकाल के ना हाइड्रो डिप करा लो, बहुत ही जबरदस्त लुक आ जाती है। बाकी नीचे हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाएगा, और देखो एक चीज ना अगर आप नोट करो, हैजार्ड लाइट तो ब्लिंक हो ही रही है, ये भी ब्लिंक हो रहा है, बताओ अटेंशन टू डिटेल, वाओ यार वाओ। ऑटो ऑन ऑफ का बटन इधर, ट्रैक्शन ऑफ का बटन आपको इधर मिलता है, ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाएगा, दो सी टाइप सॉकेट इधर भी मिलेंगे, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, ये है मैनुअल, ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है, यानी कि 6 स्पीड टॉक कन्वर्टर में भी ये अवेलेबल है। रिवर्स कैमरा की क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, नो कमेंट्स, आई मीन कमेंट सेक्शन ओपन है, आप ही लिख दो भाई क्या आप इसको बोलेंगे, मतलब क्या चीजें हैं यार, ये समझ ही नहीं आता भाई। VW से हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। बाकी दो कप होल्डर आपको मिल जाते हैं, इधर कुछ स्पेस, मैनुअल हैंडब्रेक, सेंटर आर्मरेस्ट की बात करें बढ़िया स्पेस है, नॉन एडजस्टेबल है ये, हाँ भाई एडजस्ट नहीं होती है। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें भाई, कूल ग्लव बॉक्स आपको मिल जाते हैं, स्पेस ठीक ठाक है, और ये देख लो सारा ग्लोस ब्लैक ट्रीटमेंट बढ़िया लगता है, बट यार स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आएंगे इसमें, एंड सारा हार्ड प्लास्टिक है। ऊपर सनशीट्स की बात करें, इधर आपको टिकट होल्डर, इधर आपको मिल जाएगा, एंड कोई सनग्लास होल्डर नहीं है, LED कैबिन लाइट है, IRVM आपको मैनुअल ही मिलता है। तो मोटी मोटी ना कार कुछ ऐसी है, जो मेजर चेंजेस है ना वो बाहर से है भाई, जो चेंजेस है वो मैंने आपको देखो बताई दिया। एंड चलाने की बात करें 1.0 में, देखो 1.5 वाला मजा तो ऑब्वियसली नहीं है, बट कोई दिक्कत वाली बातचीत भी नहीं है। अब ना मैं जैसे रेव करता हूँ, हल्की फुल्की ना वाइब्रेशन आपको फील होंगी जब आप रेफ करेंगे कार को, बट अगर आपका बजट भाई ठीक ठाक है तो मैं तो ये कहूंगा 1.5 पे चल जो, वो ज्यादा बढ़िया पर्सनली मुझे लगता है, और टाइगून से बढ़िया मुझे देखो वर्टस लगती है। बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने ओपिनियन जरूर दें, आपको कौन सी कार ज्यादा बेटर लगती है। फिलहाल हम चलते हैं भाई कार के बाहर। बाकी तो इस स्पेसिफिक वेरियंट की बात करें ना 1.0 GT की, ये ना यूथ को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा जो मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि जो थोड़े बड़े लोग होते हैं ना उन्हें देखो क्रोम फिर भी सूट कर जाता है, बट हाँ अगर मैं हूँ, मेरा बजट है भाई 14 लाख तक का, वैसे तो हाँ भाई प्राइसिंग की भी बात कर लेते हैं, एक्स शोरूम ये है 14.08 लाख रुपीज़, तो ऑन रोड तो यार मैं गलत बोल रहा हूँ 14 लाख नहीं, ऑन रोड तो अराउंड 16 तक की पड़ेगी, तो थोड़ी बहुत कॉस्टली तो चल जाती है। बट जो मेरा मानना है ना, देखो अगेन ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको चाहिए VW या स्कोडा की कोई भी कार 1.0 में, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ना बेस वेरियंट ले लो, बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बट अगर आपको 1.5 चाहिए तो ऑब्वियस बात है अपर वेरिएंट्स पे चल जो, मतलब कि दो में अब अवेलेबल हो चुके हैं ना टॉप और मिड में। बाकी तो कमेंट सेक्शन अगेन मैं ये कहूंगा ओपन है, आप अपने ओपिनियन जरूर दो, आप कौन सी कार पर जाओगे, आई मीन 1.0 पे जाओगे या फिर 1.5 पे जाओगे। एंड विद दैट सेट, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।